हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स की एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं मोबाइल फ़ोन हैकिंग से रिलेटेड एक सीरीज़ का एक पार्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी विंडो, चाहे वो विंडो XP है, 7 है, 8.1 है, 10 है, यानी विंडोज़ के जितने भी वर्जनस हैं, अगर आप कोई भी विंडोज़ फाइल अपने मोबाइल फ़ोन पर चलाना चाहते हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं, तो उस तरह से किसी भी विंडोज़ को आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कैसे चला पाएंगे, यानी कि एक एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर हमें विंडोज़ चलानी है तो हम कैसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जिसका नाम है JPC SIM। तो सबसे पहले JPC SIM आपको ऑन करना है, और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, बिकॉज़ इसके अंदर सभी जो विंडोज़ हैं उसकी मेन इमेज जो फाइल है वो है। आपको यहाँ टच करना है, कुकीज़ का नोटिस इसने दिखाया है, जैसे ही आप पूरी स्क्रीन पे कहीं भी टच करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको शो कर रहा है JPC SIM, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि एम्प्टी हार्ड डिस्क के ज़रिए आप यहाँ पे जो एक कंप्लीट हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, एम्प्टी हार्ड डिस्क वो आपको मिल जाएगी। अगर आप करेंगे फुल OS इमेज डिस्क, तो इससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज डिस्क है वो मिल जाएगी। तो अभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज डिस्क को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास इमेज फाइल है मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज़ इंस्टॉलेशन डिस्क पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें वेबसाइट का ऑप्शन है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम इमेज फाइल जो कि इसमें पहले से बनी हुई है उसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा साउंड का जो ऑप्शन है, इससे साउंड को म्यूट भी आप कर सकते हैं, साउंड की सेटिंग्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ XP आपको शो कर रहा है। विंडोज़ XP की जगह आपको विस्टा चलाना है, 7 चलाना है, 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 8.1 इसमें प्रेजेंट है, और इसके अलावा विंडोज़ 10 भी इसमें प्रेजेंट है। तो आपको जो भी ज़्यादा बेटर लगे इन सभी विंडोज़ से, आप कोई भी एक विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं विंडोज़ 95, 98, 2000, इसमें विंडोज़ के पुराने से लेके लेटेस्ट तक सारे वर्जन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं विंडोज़ 7 चला रहा हूँ, यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर हम विंडोज़ 7 को इंस्टॉल, मतलब जो इसकी इमेज फाइल है उसे चलाते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है कहीं भी स्क्रीन के ऊपर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको सारी चीज़ें जैसे कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सेम वैसे ही प्रोसेसिंग्स होंगी, और उसके बाद ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज़, और जैसे कि कंप्यूटर में स्टार्ट होता है सेम वैसे ही विंडोज़ स्टार्ट हो गई हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक मतलब जो फीलिंग्स आपको एक कंप्यूटर पे विंडोज़ चलाते टाइम आती है, द सेम सिचुएशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आप देखिए माउस का कर्जर है जो यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर में जब हम विंडोज़ चलाते हैं तो सेम वैसे ही चलती हैं, और सारे फीचर्स, यहाँ तक कि अगर आपको MS पेंट चलाना है, कंट्रोल पैनल यूज़ करना है, कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, आप कोई भी चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक बनाने का मेरा पर्पज़ एक ये भी था, कई बार काफ़ी सारे लोगों के पास ये दिक्कतें होती हैं कि कंप्यूटर को हर टाइम कैरी नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ छोटे मोटे जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने फ़ोन पर ही आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको फ़ोन दिखा रहा है, साइड में जो धुंधला ऑप्शन है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे माउस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। राइट क्लिक के ऑप्शंस और लेफ़्ट क्लिक के ऑप्शन भी इसी में हैं, और इसके अलावा अभी सीधा क्लिक भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्लिक कर दिया स्टार्ट मेन्यू पर, और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सारे ऑप्शंस जो जैसे कि MS पेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो मैंने MS पेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, और आप देखिए MS पेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और अब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें और भी सारे ऑप्शंस जो भी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इसे शट डाउन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और भी कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स को। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे इस चीज़ को देखने के बाद, तो प्लीज़ हमें
कमेंट बॉक्स में लिख के आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। और एथिकल हैकिंग सीखने वालों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर्स बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, होप सो आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू, गुड बाय।